अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशाज़ किचन वर्ल्ड। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ी, जो कि बेहद आसान और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ली है 1 किलो दही, 1 कप हमने बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून हमने लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी। यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम बेसन पकौड़ियों के लिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं हमने चॉप हुई हुई, थोड़ा सा पालक और 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून खाने वाला सोडा लिया है हमने। अब सबसे पहले जो दही थी, हम दही में अपना बेसन ऐड कर देंगे। पहले इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बेसन को अपनी दही में। बेसन अच्छी तरीके से हमारी दही में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, लाल मिर्च और हल्दी। इन तीनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से अपनी दही में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब एक भारी तली का हमने भगोना यहाँ पे लिया है, इस पर इस तरीके से छन्नी लगा दी है। अब इसको हम छान लेंगे एक विस्कर की मदद से, इसको इस तरीके से हम छान लेंगे। और इसी कटोरे में जिसमें हमने लिया था, इसी में पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। अब इसमें 1 जग के करीब हम पानी ऐड कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हमारी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब अपनी कढ़ी को पकने रख देंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें 1 बॉईल नहीं आ जाता। और अभी हमें इसमें ऐड नहीं करना है नमक। थोड़ी सी जब हमारी कढ़ी ठीक हो जाएगी, जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब अपनी पकौड़ियों का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें सारे चॉप हुए हुए इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, सोडा, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें। अब इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से अपने बेसन में मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमें ज़्यादा लिक्विडी बैटर नहीं चाहिए और ना ज़्यादा ही टाइट। इस तरीके का बैटर हमने तैयार किया है, देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए। अब इसे ढक के रख देंगे एक साइड पर। हमारी कढ़ी में बॉयल आ चुका है और ये थोड़ी थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप, सॉल्ट टू टेस्ट ही ऐड करेंगे हम इसमें और इसे और पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ी और गाढ़ी नहीं हो जाती। लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं हमारी कढ़ी को पकते हुए। आप देख सकते हैं ये थिक हो चुकी है, इस तरीके की ही चाहिए। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम अपनी पकौड़ियाँ इसमें डालना शुरू करेंगे। एक एक करके इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ियाँ हमें तैयार करनी है। एक बारी में आप कितनी भी पकौड़ियाँ फ्राई कर सकते हैं। पकौड़ी हमने डाल दी हैं।
अब इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली पकौड़ी माशाल्लाह हमारी बनकर तैयार हुई है। बस हमें इसका ऐसे ही कलर चाहिए। अब इसे डायरेक्ट हम अपनी कढ़ी में डाल देंगे और इसी तरीके की बनाकर सारी तैयार कर लेंगे। अब इसका भंगार तैयार कर लेते हैं। भंगार के लिए हमने यहाँ पर लिया है जीरा, 1 टीस्पून ही मेथी दाना लिया है, थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्च। तरीके से तड़का लेंगे, फिर उसके बाद लाल मिर्च इसमें डालेंगे, छोका हमारा तैयार है बिल्कुल कढ़ी में जाने के लिए। अब इसे फौरन ही अपनी कढ़ी में हम डाल देंगे। हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। अब दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये है हमारी कढ़ी पकौड़ी का फाइनल लुक। ये बहुत ही आसानी से बड़ी मज़े की बनकर तैयार होती है। आप इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस भी मर्जी के साथ खा सकते हैं। ये दोनों ही सूरतों में बहुत अच्छी लगती है और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।